हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच की। जो भी आप सभी तैयारी कर रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड, राजस्थान सेकंड ग्रेड और डीएसएसपी, ठीक है। और उसमें फर्स्ट पेपर तो सबका सेम आएगा, और जो फिर जिनका सेकंड पेपर इंग्लिश है, जो इंग्लिश के शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, उस पेपर में इस वीडियो से आपके क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर फंसने वाले हैं, ठीक है। सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, इस तरह के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और उनसे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बन के आएंगे, किस तरह से आपका जो कन्फ्यूज़न बैठ जाता है उनके बीच, वो सब क्लियर आज आपका हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमली। हिंदी में हम इसे कहते हैं उपमा अलंकार। क्या है सिमली, देखते हैं। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है जिसमें कि दो वस्तुओं के बीच कंपेरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। और इसमें इस सिमली जो अलंकार है उसमें सो, लाइक, एज, सच, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं तुलना करने के लिए, ठीक है। यही इस अलंकार की पहचान है। जब आपको ये पूछा जाए सेंटेंस में कौन सा अलंकार है और वहाँ आपको सो, लाइक, एज, सच, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं पहले हमारा, कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, कि लाइफ कैसी है, लाइक अ ड्रीम, ड्रीम की तरह है। इसमें लाइक वर्ड का यूज किया है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही रोअर्ड लाइक अ लॉयन, वो लॉयन की तरह दहाड़ता है, ठीक है, वह लॉयन की तरह दहाड़ा। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है, ये आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये बहुत ही फेमस पोयम द डैफोडिल्स की लाइन है, और वर्ड्सवर्थ ने वो कविता लिखी है द डैफोडिल्स, है ना। तो उसमें क्या बोल रहा है कवि, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, कि मैं क्लाउड की तरह घूम रहा था। तो इसमें क्या है, एज, लाइक, इस तरह के वर्ड्स आए हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। आपको एक लाइन दे दी जाएगी सेंटेंस, और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ही लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, इसमें कौन सा अलंकार है, आप देखेंगे इसमें एल आई के लाइक दिया गया है, तो बस आपको समझ जाना है कि इसमें सिमली जो है फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपेरिजन किया जाता है और उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो, लाइक, सच, एज, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिमली उपमा अलंकार। और इसमें एक बात और ये है कि दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स का जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, मैंने फिर पहले बताया कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट्स का इसमें हम तुलना नहीं करेंगे, और सेम ऑब्जेक्ट्स की तुलना होती है यदि, तो वो सिमली फिगर ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ कि सीता इज लाइक हर मदर, ठीक है, सीता अपनी माँ के जैसी है। तो सीता और उसकी माँ दोनों जो है स्त्री जाति का, फीमेल जो है उसका बोध कराती हैं, तो ये सेम उसमें आ जाएंगे कैटेगरी में, तो ये सिमली में नहीं आएगा। तो सिमली क्या होता है, इसमें टू ऑब्जेक्ट्स के बीच, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन होता है, और सो, लाइक, एज, सच यूजिंग वर्ड्स हम इसमें करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और ये हो गया हमारा सिमली, ठीक है। इसका क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर आता है एग्जाम्पल में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ईजी भी है, बहुत अच्छे से और आसानी से हमें याद हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। यहाँ आपका सिमली से आपका जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है मेटाफर में, कि देखते हैं क्या है मेटाफर। हिंदी में इसे हम बोलते हैं रूपक अलंकार। क्या है इसमें, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सेम है ये ऊपर जो सिमली में मैंने आपको बताया कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है। मेटाफर में भी यही बता रहे हैं कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच हम इसमें तुलना करते हैं, बट लेकिन विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स, इसमें हम लोग किसी भी तरह का तुलनात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि सो, लाइक, एज, सच,
इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेटाफर में नहीं किया जाता है और इसमें तुलना की जाती है टू ऑब्जेक्ट्स की, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, और कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये है सिमली और मेटाफर का जो बीच का कन्फ्यूज़न है वो यही है कि उसमें कंपैरिजन वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं सिमली में और मेटाफर में नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने सेम सेंटेंस रखा है कि लाइफ इज़ ड्रीम, ठीक है, यहाँ क्या है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम और यहाँ क्या कह रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम, तुलना यहाँ भी हुई है लाइफ की ड्रीम से, बट इसमें लाइक सो एज सच इस तरह के जो है शब्दों का इस्तेमाल, वर्ड्स का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है शिवाजी वाज द लॉयन ऑफ द फील्ड, कि जो शिवाजी थे वो युद्ध के क्या थे, शेर थे, युद्ध क्षेत्र के शेर थे वो, तो उनको बताया गया है, शेर से तुलना की गई है, उनको डायरेक्ट शेर बताया गया है और ये निकाह है कि वो शेर की तरह थे, इस तरह से जो है मेटाफर में तुलना की गई है। नेक्स्ट है कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कि जो ऊँट है रेगिस्तान का जहाज है ना, तो ये हो गया मेटाफर, इसमें तुलना की जाती है टू ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है विदाउट यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स, कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। थर्ड हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है परसोनिफिकेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार, जैसा कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम से ही हमको पता चल रहा है, परसोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार क्या होता है देखते हैं। परसोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स, कि ये वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें लाइफलेस, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें लाइफ नहीं है यानी कि निर्जीव वस्तुएं, और एब्स्ट्रैक्ट निर्जीव पदार्थ, निर्जीव भावनाओं को थॉट एज अ लिविंग थिंग्स, उनको सजीव रूप के तरह सोचा जाता है, सजीव रूप दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें उस फिगर ऑफ स्पीच में निर्जीव वस्तु को, निर्जीव विचारों को सजीव की तरह बनाकर पेश किया जाता है, मानवीकरण उनका कर दिया जाता है, तो दैट इज परसोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम समय एंड टाइड यानी परिवर्तन, समय और परिवर्तन किसी का इंतज़ार नहीं करता, तो समय और इंतज़ार जैसा काम तो इंसान करते हैं, टाइम एंड टाइड तो ये तो नहीं करते ना इंतज़ार, ठीक है, तो यहाँ पर उनका मानवीकरण कर दिया गया है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। नेक्स्ट क्या है देखो एग्जाम्पल द ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सच बैठा है, क्या मतलब कि जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है जस्ट तो वो सच ही बोलता है, इस तरह का ये इसमें बताना चाह रहे हैं, तो बोल रहे हैं द ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, तो क्या सच जो है डाइंग मैन के लिप्स पे बैठा है हुआ है, ऐसा ये बोल रहे हैं, तो बैठता तो व्यक्ति है ना, ये पर्सोनिफिकेशन इसमें कर दिया गया है ट्रुथ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव, अनुभव हमारा सबसे अच्छा शिक्षक होता है, तो अनुभव अब शिक्षक तो व्यक्ति होता है, पर यहाँ एक्सपीरियंस ये एक फीलिंग है, एक भाव है, इसको इन्होंने बेस्ट टीचर का मानवीकरण इसमें कर दिया है, तो ये हो गया हमारा परसोनिफिकेशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। और इसी तरह से इसमें जो है ना सेंटेंस लिख दिए जाते हैं कि सेंटेंस लिख देंगे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अब आपको बताना है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच छुपा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन के आ जाएंगे, पर हमें इसकी परिभाषा भी आनी चाहिए कि क्या है इसमें, तो पर्सोनिफिकेशन में क्या है लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनको लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरह मान लिया जाता है पर्सोनिफिकेशन में, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच है वो देखते हैं क्या है, हाइपरबोले या हिंदी में से हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, हिंदी वर्ड इसलिए मैंने और लिख दिया है कि ताकि आपका क्लियर अच्छे से हो जाए जो भी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है इस फिगर ऑफ स्पीच में, कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअल आर, जो भी चीज़ें हैं
वस्तुएं हैं या इंसान है, उन सभी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि वो बहुत, जैसे वो है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उन्हें महान बता दिया जाता है, या बहुत ही बेटर, या फिर बहुत ही वर्स, या बहुत ही गिरा हुआ बता दिया जाता है। एक्चुअल दे आर, जैसे कि वो है एक्चुअल में है उससे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उनको अच्छा या बुरा इसमें बता दिया जाता है, इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच में। तो हाइपरबोले इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। 10,000 सर आई एट अ ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स दृष्टि, ठीक है, नजर। तो एक नजर में मैंने 10,000 देखी, या फूलों की बात हो रही है। ये लाइन भी द डेफोडिल्स पोयम है, जो वर्ड्स वर्क की उससे ली गई है, और ये बहुत ही अच्छी पोयम है, और एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ड्स वर्क और डेफोडिल से। तो ये पोयम, ये लाइन है, ये भी आप समझ लो, ये उस तरह से भी आ जाएगी कि ये लाइन किस पोयम की है, ठीक है। पर यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं हाइपरबोले की। तो वो बता रहा है कवि द डेफोडिल्स के बारे में बता रहे हैं वर्ड्स वर्क, ठीक है, कि 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, कि मैंने एक नज़र में एक दृष्टि में 10,000 डेफोडिल्स देखे। तो आप बताइए क्या यह संभव है? इसमें हाइपरबोले जो है अतिशयोक्ति अलंकार फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है इस लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है एग्जांपल, शी शेड ओशियंस ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के समंदर बहा दिए, ठीक है। तो ये भी हाइपरबोले, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, आंसुओं के समंदर इस तरह से वर्ड जो उन्होंने बोल दिया है तो बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है। All India was shocked at the news. उस न्यूज़ पर पूरा भारत जो है शॉक्ड हो गया। तो अब बताइए पूरा भारत में तो पूरे कितने इंसान हैं, क्या सभी एक साथ शॉक्ड हो जाएंगे? पता नहीं, कितनों ने तो देखी भी ना हो वो न्यूज़, है ना। तो All India was shocked at the news। तो इस तरह से ये बढ़ा चढ़ाकर जो है बता देते हैं हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच में अतिशयोक्ति अलंकार में, है ना। तो इसका ये जो पॉइंट्स हैं इसी तरह से आपके बन जाएंगे। एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच छुपा है, और परिभाषा पूछ ली जाती है कि क्या है इस पर, इस जो है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप बताइए। तो हाइपरबोले क्या है इसमें, इज दिस हाइपरबोले इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स और पर्सन्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, जैसे वो एक्चुअल में है उस तरह से उनको बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा, बेटर और वर्स बता दिया जाता है फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोले। तो फ्रेंड ये जो चार फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताई हैं, आगे फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित अगला वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी, जिसमें और भी फिगर ऑफ स्पीच मैं समझाऊँगी इसी तरह से, जो कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में हैं, ठीक है, जो भी हमारे DSSB UP LT ग्रेड और RPSC सेकंड ग्रेड का जो है सिलेबस है इंग्लिश टीचर का, ठीक है, सेकंड पेपर का जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है उसमें ये चीज़ दी गई है, और हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिगर ऑफ स्पीच में से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें आपस में, जो भी आपका है सोशल मीडिया, जो भी मंच आप यूज़ करते हैं आपस में फ्रेंड्स लोगों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच, और थैंक यू, जय हिंद।